हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन है CDS 1 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आइए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट डेट, जिस दिन से आप अपने फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो है 22nd of December 2021। इसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 11th of January 2022 है। 11th जनवरी को आप शाम 6 बजे तक अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट की लास्ट डेट भी 11th of January 2022 ही है। और बहुत इम्पॉर्टेंट डेट यानी जिस दिन एग्ज़ाम होगा वो है 10th of April 2022। इसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको मार्च 2022 में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। कोई पर्टिकुलर डेट इसके लिए नहीं आई है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा इस बारे में भी कुछ नहीं पता है, ये भी जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ। तो इसके लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पे नहीं करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, फ्री में वो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपनी एग्जामिनेशन फ़ी ई चलान, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फी मोड में पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वैकेंसी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो इसके अंदर IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए टोटल 100 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2nd of January 1999 से लेकर 1st of January 2004 के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री पास की हो या फिर वो अभी उसमें अपियरिंग है यानी थर्ड ईयर में भी जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी के लिए यानी INA के लिए टोटल 22 पोस्ट हैं। इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो सेम ही है। इसके लिए भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2nd of January 1999 से लेकर 1st of January 2004 के बीच में होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके साथ साथ आपके पास किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आप बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में अपियरिंग हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए जो पोस्ट हैं वो 32 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं और इनके लिए भी जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट्स की वो 2nd of January 1999 से 1st of January 2004 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें एक छोटा सा चेंज है और वो चेंज ये है कि इसके लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री ही चाहिए। बैचलर्स डिग्री जो है आपकी वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है लेकिन क्लास 12th में आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है या फिर आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो इंजीनियरिंग में हो तब आप CDS के थ्रू एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी CDS 1 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।